नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका फौजी मैथ अकेडमी में। आज दोस्तों आपको मैं गुणा करने के इतने आसान तरीके बताऊंगा कि आप कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ दोगे, मतलब मात्र 2 सेकंड के अंदर अंदर आप कोई भी गुणा कर दोगे। तो गुणा करने के तरीकों में सबसे पहले जो ट्रिक बता रहा हूँ कि 100 के अगर नज़दीक हो, अगर 100 के नज़दीक हो तो उनका गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे लिखा हुआ है 95 × 96 यानी 95 × 96 लिखा हुआ है। ये 100 से कितना कम है? 5। ये 100 से कितना कम है? 4। करना क्या, सीधा सा इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कितना आएगा? 20। अब देखो इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 91। इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 91। तो इनमें से एक 91 उठा के इधर लिख दो। ये लो जी आपका हो गया गुना, यानी मात्र 1 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, देखिए 93 × 97 ये 100 से कितना कम है? नीचे लिख दीजिए 7 कम है, ये 100 से 3 कम है। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 97 से 7 निकालें या 93 से 3 बचेंगे कितने? 90। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आएंगे? 7 × 21। ये आपका आंसर हो गया जी, बिल्कुल इजीली, इतने 1 सेकंड नहीं लगेगी आपको गुणा करने में, बिल्कुल 1 सेकंड। तो ये तो 100 से कम है, अगर आपको 100 से ऊपर हो तब आपको क्या करना है, ये तो 100 से कम थे, अब 100 से ऊपर देखो ये कितना है, 102, 104। 100 से कितना ज़्यादा? 2। और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 4। अगर इसको इसमें जोड़ देंगे, अब वो कम थे इसलिए हम माइनस कर रहे थे, ये क्या है? प्लस, यानी 100 से ऊपर है तो क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे तो 106। चाहे इसको इसमें जोड़ दो चाहे इसको इसमें, 106। और इन दोनों को क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 8 तो 08। तो ये इनका गुना हो गया है। ये देखो इतने इजी इजी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर, कोई भी अंक आप करके देख लेना, एक और करके बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप नीचे करके दिखा रहा हूँ, मतलब कोई भी आप ऐसे 1 सेकंड में कर दोगे कोई भी मल्टीप्लाई हो। देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे इसको इसमें जोड़ दो चाहे इसको इसमें, क्रॉसिंग में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 109 और 6 × 3 = 18। तो ये आपका 18, ये आपका हो गया आंसर। 6 × 3 = 18 कौन सा? नीचे वाले जो 3 और 6 है इनको मल्टीप्लाई किया है, ऊपर जो इसमें क्या किया है? 2 और 4 को, लेकिन उसमें 8 आता है तो आपको 08 लिखना है। बस जी 1 सेकंड में, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि दोनों ही माइनस या दोनों ही प्लस, अब देख रहे हैं कि माइनस और प्लस अगर दोनों हो तो क्या हो। देखो इसमें क्या है, ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 3 ज़्यादा है। तो करना क्या है, इसमें अगर माइनस करें, 100 में से 2 माइनस करेंगे कितने आएंगे? 103 में से 2 माइनस करेंगे 101। और अगर 98 में हम 3 को जोड़ें तो भी 101 आएंगे, तो 101 लिख देना है। और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना आएगा? 06, यानी 6 आएगा, उसको क्या लिख देना है? 06। मतलब बिल्कुल चुटकियों में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे आप अगर 100 के आसपास के नज़दीक के नंबर दिखते हैं तो। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं आपको सभी नंबरों के बताऊंगा सभी नंबरों को मल्टीप्लाई ऐसे चुटकियों में कैसे कर देते हैं दोस्तों, बस 1 सेकंड। अब इसमें देखिए 101 और 96, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा। और ये 100 से कितना कम है? 4। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ें तो कितने आएंगे? 97। और अगर इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो भी 97। अब इसको क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 04। ये आपके लो जी आंसर हो गया ना चुटकियों में। तो बस इसी प्रकार से आपको ट्रिक देखते रहिए, आगे और देखिए मल्टीप्लाई। अब देखिए और एक तरीका, अगर इस प्रकार की संख्या जैसे 57 × 53 या 46 × 44 या कोई भी ऐसा आंकड़ा हो, लेकिन उसमें प्रायिकता क्या होनी चाहिए, पीछे वाले जो अंक है उनका अगर योग 10 होता हो, पीछे वाले जो अंक है जैसे इसमें 7 और 3 इनका योग कितना होता हो? 10 होता हो, तो इसको भी आप चुटकियों में मतलब 1 सेकंड में कर सकते हो। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना, इस प्रकार के मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस समय आपके बहुत काम में आएंगे, तो इसको भी आप चुटकियों में कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें करना क्या आपको, कि इसमें दो चीज़, एक प्रायिकता तो ये होनी चाहिए कि उनके पीछे वाले जो अंक है उनका योग 10 होना चाहिए और जो अगला अंक है वो समान होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, अगर इस प्रकार का दिखे तो करना क्या है कि जो ये समान अंक है इसको इसके अगले नंबर से डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 6 से गुना करेंगे कितने आ जाएंगे? 30। और इन दोनों का जिनका योग हो रहा है इनको मल्टीप्लाई अलग से कर दो, 7 × 21। ये आपके आंसर हो गए जी। अब इसे अगला आप देख लो, जैसे इनके दोनों के पहले फर्स्ट वर्ड सेम है और जो लास्ट के इनका अंक कितना हो रहा है? 10। तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं, क्या करना है, 4 को इसे अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, यानी 6 और 4 पीछे वालों को अलग गुना कर दो, ये 24। ये लो जी आपका आंसर, मतलब बिल्कुल इजीली आंसर कर सकते हो। अगर आपको 3 अंकों की संख्या है तो भी घबराने की जरूरत, इसको आप उस नियम से भी कर सकते हो,
जो मैंने आपको पहले जो नियम बताया उससे भी आप इसको कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। उससे करने के लिए एक चीज़ इसमें और कंडीशन लगेगी, वो भी मैं आपको साथ बता दे रहा हूँ। अब देखो इस नियम से इसके भी क्या है कि दोनों अंक पीछे वाले का योग 10 है और सामने वाले दो अंक सेम है, तो क्या करना है 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 132, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 121। ये लो जी आपके आंसर केवल चुटकियों में। अब इसमें उस नियम से करने के लिए कंडीशन आती है तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसकी उस नियम से करने के लिए इसमें एक छोटी सी कंडीशन लगती है वो क्या क्या होती है और बड़े मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, उस अगले वीडियो में आप बने रहिए, अगला वीडियो देखना तो उसमें ज़रूर बताऊँगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों।